मित्रों नमस्कार। आज का जो आपका टास्क है उसमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर है यानी एक आयत है जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप समझिए कि इसको कैसे निकालते हैं। अगर कोई रेक्टेंगुलर है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई अगर है, ये चौड़ाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये ए इंटू बी ही होता है। एकदम सिंपल तरीके से आपका निकल जाएगा। दो वैल्यू इनपुट कराइए, मल्टीप्लाई करके एरिया में रख दीजिए, उसको प्रिंट करा दीजिए, सीधा सीधा एकदम है। ठीक है, तो चलिए पाइचार्म आईडी पे चलते हैं हम लोग और इसको जो है रन करा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें दो वैल्यू यहां पर इनपुट करानी होगी, तो चलिए हम लोग इनपुट कराते हैं। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं ए, ठीक है, आई एन टी ले लेंगे और फिर जो है इनपुट करा देंगे यहां पर इनपुट। ठीक है, और यहां मैसेज दे देंगे, एक मिनट, फिर से जो है ब्रैकेट लगा करके हम यहां पर मैसेज दे देंगे इनपुट ए। ठीक है, इनपुट क्या, ए, ए को जो है ये आपका इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरी वैल्यू हम दे देंगे जो कि उसकी चौड़ाई होगी, है ना, दूसरी वैल्यू हम दे देंगे जो कि उसकी चौड़ाई होगी। एक ब्रैकेट बंद नहीं है इसलिए इधर आएगा यहां पे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी वैल्यू हम देते हैं b इक्वल आई एन टी इनपुट b, इनपुट b। ठीक है, b उसकी हमने चौड़ाई दे दिया। अब इसको जो है हम रन कराते हैं, आपके सामने जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एरिया कर देते हैं, एरिया ए आर ई ए, एरिया हम निकाल लेते हैं क्या, a इंटू बी, ए एस्ट्रिक बी। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको एरिया प्रिंट कर देना होगा, पी आर आई एन टी। ठीक है, प्रिंट एरिया बराबर एरिया इक्वल क्या, किसको प्रिंट करना है आपको, एरिया को। ठीक है, एरिया, ठीक है, और ये आपका जो है यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हम जो है रन करा के देख लेते हैं। यहाँ ए की वैल्यू आपकी मांग लिया है। ठीक है, मान लीजिए ए की वैल्यू हम दे देते हैं 5 और फिर बी की वैल्यू मांग रहा है दे देते हैं 7, तो 7×5 35, ये आपका जो है रिजल्ट 35 आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल सकते हैं। अगर यही स्क्वायर होता तो ए इंटू बी करने की बजाय उसका जो है हम स्क्वायर कर देते, ए कहीं भुजा लेते ए और एक्सपोनेंट लगा देते 2 का। ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाता और वो स्क्वायर रूट स्क्वायर का यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाता। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टास्क के साथ।